కవితా ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేస్తారు. అలాగే దీక్షను ఉద్దేశించి ఈ సభాస్థలిని ఉద్దేశించి సీతారాం యచూరి కూడా మాట్లాడతారు. జై భారత్, జై తెలంగాణ, జై భారత్ జాగృతి. వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరికి నమస్కారం. హమారా దేశ్ ఏక్ ఐసా దేశ్ హై జహాన్ పే హమ్ మాతా పితా కహతే హై. పహలే పంక్తి మే పహలా శబ్ద హమ్ మాతా కా లేతే హై, పితా కా నహీ లేతే హై. తో హమారే సంస్కృతి మే యే శామిల్ హై కి హమ్ మాతా పితా కహెంగే. రాధే శ్యామ్ కహతే హై, సియా రామ్ కహతే హై, పార్వతి పరమేశ్వర్ కహతే హై. ఇస్ తరీకే కా ఏక్ సంస్కృతి హిందుస్తాన్ మే హై. ఔర్ ఇసీ సంస్కృతి కో ఆగే బడాతే హువే హమ్నే బహుత్ క్షేత్రో మే మహిళాఓ కో ఆగే బడానే కా కోశిష్ కియా హై. లేకిన్ జిస్ తరీకే సే జిస్ రఫ్తార్ సే పూరీ దునియా డెవలప్ హో రహీ హై, అగర్ ఉసీ రఫ్తార్ సే హిందుస్తాన్ కో భీ డెవలప్ హోనా హై, ఉసీ రఫ్తార్ సే హిందుస్తాన్ కో భీ డెవలప్ హోనా హై, తో హిందుస్తాన్ మే మహిళాఓ కో రాజనైతిక్ क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए. और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है. महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है. बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले. मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का. 1996 में जब पहले बार देवगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है. उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था. और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ. चाहे वो बृंदा कारत जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है. मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है. मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ. और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे. ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है. और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है. तो हम इस मंच से, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें. हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे. आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं. रेस्पेक्टेड श्री येचुरी जी आए हैं, उन्होंने ये पूरा अनशन का स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन किया है. और हमारे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन यहाँ पे है, समाजवादी के पूजा शुक्ला जी है, किसान आंदोलन से भी है, और बहुत सारे हमारे बीआरएस के महिला मंत्रीगण हैं, एमपीस हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ. और पूरे दिन भर काफी सारे राजनीतिक दलों से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ. बस यही एक मुद्दा है जो हम महिलाओं को राजनीतिक स्थल में, क्षेत्र में आगे ले जा सकती है, तो हम इसके लिए पूरा पूरा कोशिश करेंगे. और इस कोशिश में, इस आंदोलन में साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. आज हमें यहाँ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय मिला है, तो हम लोग अनशन पे बैठे हैं.
और ये बस शुरुआत ही है। यहाँ से लेके आगे चल के पूरा देश भर में आंदोलन चलाते रहेंगे। जब तक महिला आरक्षण बिल नहीं आएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच। जय भारत। तेलुगु में मैं एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ। तेलुगु में हमेशा बोलते हैं, धरणीलो सगम आकाशंलो सगम अंधके अवकाशंलो कूडा सगम कावालनि चेप्तां। धरती में हम आधे हैं, आसमान में आधे हैं, इसीलिए अवसर में भी हमें आधे मिलना चाहिए। ये नारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे हक पाके रखेंगे। थैंक यू। जय भारत।